बात ग्वालियर की, जहां पर आम आदमी पार्टी की नेत्री रुचि गुप्ता के फरार पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी पति संदीप ठाकुर पर आम आदमी पार्टी की नेत्री के कार्यालय के बाहर फायरिंग करने के आरोप लगे हैं। इस फायरिंग में स्टाफ के एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। फायरिंग की वजह से पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। वारदात के बाद आरोपी संदीप ठाकुर फरार था। बीते रोज पुलिस ने जीआरपी की मदद से संदीप को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है, ताकि वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किया जा सके। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले एक FIR हुई थी, जहाँ पे एक नेत्री के हस्बैंड ने उनके जो ऑफिस है उसके बाहर फायर किया था, और वो फायर उनके स्टाफ को कहीं पैर में लगा था। उसमें 307 की FIR दर्ज की थी। उसी दिन से उनका हस्बैंड एब्सकॉन्डिंग था, और लगातार उसमें जो विश्वविद्यालय पुलिस है उसमें लगातार नज़र बनाए हुए थी, और बहुत ही कल अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, जो 307 का जो आरोपी है उसको रात में हिरासत में ले लिया है। आज सुबह गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के सामने उनको पेश कर रहे हैं, और रिमांड पर लेके उनसे जो भी वेपन यूज हुआ था उसकी रिकवरी के प्रयास किए। इसमें जो